हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल स्टडी विद आरसम। फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे कि आपको एक न्यूज़ आ रही है, जो न्यूज़ के बारे में बता दूं कि 1 जनवरी 2019 को ये वाले एटीएम बंद हो जाएंगे। तो इस एटीएम के बारे में अपन पूरा जानेंगे, कौन सा एटीएम बंद होगा और कौन सा एटीएम चालू रहेगा, इसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर। ये आपको सामने जो फ्रंट के अंदर जो चित्र दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इनको देखिए बड़े ध्यान से। जैसे ये इसी को पहले को देख लेते हैं हम, पहले चित्र के अंदर देखिए दोस्तों, ये जो आपका पहला मैग्नेटिक स्ट्रिप जो कार्ड वाला है और ये है आपका चिप वाला कार्ड, ठीक है दोस्तों। ईएमबी चिप बोलते हैं इसको, ईएमबी चिप कार्ड। तो ये दोनों कार्ड है, इसमें से जो पहले वाला कार्ड दोस्तों ये बंद हो जाएगा। और बंद क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है सिक्योरिटी के पर्पज़ से ये जो है गलत हो रहा है कि लोगों को डाटा चुराने का इसमें आशंका रह रही। जिस प्रकार से सिक्योरिटी जो स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये राय दी है आरबीआई को कि ये वाले जो कार्ड हैं ये ज़्यादा सुरक्षित नहीं है और चिप वाले कार्ड ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो आप देखिए कि ये कार्ड कैसे होते हैं, पहले आपको पहचानना ज़रूरी है इनको कि ये कार्ड कौन से कार्ड हैं, वो चिप वाले कार्ड हैं और कौन से कार्ड है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो कार्ड होता है दोस्तों, ये इस प्रकार का कार्ड, देखिए ध्यान से ये जो कार्ड है, इस कार्ड को अपन देख लेते हैं। इसमें आप देखिए दोस्तों ध्यान से कि जैसे ये कार्ड है, ये वाला कार्ड आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप का कार्ड है और ये यहाँ पर लगा हुआ है चिप वाला कार्ड है। तो चिप वाला कार्ड है ये चलेगा, ये काफ़ी सुरक्षित कार्ड है, सेफर कार्ड है। और ये जो कार्ड है ये आपका असुरक्षित है, तो इसमें डाटा चुराने की आशंका रहती है। और अगर आप इसका, इस कार्ड का क्लोन भी तैयार किया जा सकता है। तो ये कार्ड है, आप इसी प्रकार जैसे कार्ड के पीछे का भाग देखें तो ये जो आपकी पीछे एक लंबी पट्टी दिखाई देगी ब्लैक कलर की, इसको मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं और ये वाला चिप कार्ड है। तो इनको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट ये समझिए कि सिम के जैसा, जैसे आपका सिम कार्ड आता है मोबाइल में, इसी प्रकार से ये वाला चिप कार्ड है और जो लंबी पट्टी वाला कार्ड है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला कार्ड है। तो इन कार्ड, ये कार्ड जो है 1 जनवरी 2019 को बिल्कुल बंद हो जाएंगे दोस्तों। और इन कार्डों को जब आप यूज़ करते हो, जिस प्रकार से आप कहीं पर भी यूज़ करते हो, मान लिया जाए किसी बिलिंग को चुकाने के लिए करते हो, तो वहाँ भी डाटा चुराने की आशंका रहती है। लेकिन अगर आपके पास चिप वाला कार्ड है तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और यह काफ़ी सेफर रहेगा आपके लिए। तो ये सब अब इस वीडियो के अंदर जानेंगे दोस्तों, ये कब से बंद होंगे और कैसे बंद होंगे, तो इसके बारे में और नया कार्ड कैसे जारी कराएं, इन सब के बारे में अपन जानने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इससे पहले फ्रेंड्स, आपका ये प्यारा सा चैनल स्टडी विद आरसम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और सबसे पहले नोटिस पाए। और दोस्तों, ये वीडियो, ये जो चैनल डेली हेल्पफुल वीडियो आपके लिए डालता रहता है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक दोस्तों कीजिए ताकि सब तक ये पहुँच सके। चलिए और जानते हैं आगे अपन इसके बारे में। चलिए दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको न्यूज़ दिखाई दे रही है, इस न्यूज़ को अपन जानते हैं कि कौन से कार्ड कैसे बंद हो जाएंगे। तो अगर इसमें आपको कह रहा है कि अगर एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आपके, या क्रेडिट कार्ड, दोनों ही आपके पास से इस प्रकार के मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले हैं, तो वो आपके 1 जनवरी को बंद होने वाले हैं। क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रिप के कार्ड मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी जो है वो असुरक्षित कार्ड हैं, जो कि 1 जनवरी 2019 को आपके जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो हैं वो सब के सब बंद हो जाएंगे और ये सुरक्षा के लिहाज से बंद होंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि 1 जनवरी 2019 को बंद होने वाले हैं। आरबीआई के नियम के मुताबिक दोस्तों, मैग्नेटिक स्ट्रिप के जो चिप वाले कार्ड हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और आरबीआई ने यह कदम ग्राहकों को एटीएम और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिटेल सुरक्षित रखने के लिए किया है, तो इनको रिप्लेस किया जाएगा। बैंक में आपको आवेदन करना होगा, आवेदन करने के बाद इनको रिप्लेस कर देंगे, कार्ड आपको दूसरे मिल जाएंगे। और मैग्नेटिक, इसकी जो जानकारों को माने दोस्तों, तो इसने पूरा बताया कि मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड से डेटा चोरी होने की खतरा बना रहता है और सुरक्षा के मद्देनज़र आरबीआई ने मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्डों को ईवीएम वाले जो ईवीएम जो कार्ड हैं उनको 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है। तो 31 दिसंबर तक आपके पास अभी लगभग लमसम 1 महीने का समय पड़ा है, तब तक आप करा सकते हो। इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, कि मैग्नेटिक स्ट्रिप के जो कार्ड होते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए उपभोक्ता को सिग्नेचर या पिन की ज़रूरत होती है। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको सिग्नेचर या पिन की ज़रूरत होगी उसमें। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस पर ग्राहक के अकाउंट की डिटेल मौजूद होती है और इसी स्ट्रिप के मदद से कार्ड स्वाइप के वक्त मशीन में आपके बैंक इंटरफेस में जुड़ती है और इसे प्रोसेस होता है। तो ध्यान दें, ये इसका कारण है कि ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से जुड़ता है और इसमें आपको आपके पिन नंबर डालने होते हैं। वही चिप वाले कार्ड की सारी जानकारी चिप में मौजूद होती है, इनमें ही ट्रांजैक्शन के लिए पिन और सिग्नेचर जरूरी होते हैं। लेकिन ईएमवी चिप वाले कार्ड,
EMV चिप वाले कार्ड जो होते हैं दोस्तों, उसमें ट्रांजैक्शन के वक्त यूज़र को वेरीफाई करने के लिए एक यूनिक ट्रांजैक्शन कोड जनरेट होता है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहतर है। तो EMV जो चिप वाले कार्ड हैं दोस्तों, वो आपको बता दूं कि वो आपको काफ़ी मतलब सुरक्षित रखते हैं। तो इसके बाद जैसे ही दोस्तों, दरअसल RBI ने ये जो है गाइडलाइन, मैं बता दूँ आपको कि जो गाइडलाइन है 27 अगस्त 2015 को एक दिशा निर्देश जारी किया, उस वक्त बैंकों को कार्ड बदलने की पूरी प्रक्रिया के लिए 3 साल का वक्त दिया था। और RBI ने आदेश में कहा था कि 1 सितंबर 2015 से बैंक द्वारा जितने भी नए कार्ड, डेबिट, क्रेडिट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल कार्ड जारी किए गए, वे सभी EMV चिप आधारित कार्ड होंगे। लेकिन कई बैंक उसी समय से ग्राहकों को कार्ड बदलने में लगे हैं और लगातार अपने ग्राहकों को मैसेज कर कार्ड को सलाह दे रहे हैं, यानी कि ये जो इंट्रैक्शन है काफ़ी पहले, 3 साल पहले RBI ने दे चुकी है। EMV कार्ड के बारे में जाने दोस्तों कि दरअसल चिप वाले जो डेबिट कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माना जाता है। EMV यूरोपे, मास्टर और वीज़ा, 3 प्रकार के कार्ड में एक छोटा सा माइक्रोचिप होता है जो कि आपको खरीदारों को जाली ट्रांजेक्शन से बचाता है। तो दोस्तों, ये कार्ड आप अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर इस चिप को देख सकते हैं, और सुनहरे रंग के ये चिप कार्ड का अक्सर बाईं ओर बाईं तरफ होता है। अगर आप कार्ड पर चिप नहीं है तो आप बैंक में जल्द संपर्क करें, और EMV चिप या पिन, जिसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कार्ड के सुरक्षा डिजाइन सुरक्षित ध्यान में रखकर इसका क्लोन बनाना बेहद आसान नहीं है। EMV कार्ड जो होते हैं दोस्तों, कार्ड पाने के जो तरीके हैं वो आपको पता ही है। बैंक आप एक नेट बैंकिंग से पा सकते हैं, नेट बैंकिंग से जाके नेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए। अगर नेट बैंकिंग आप यूज़ करते हो, लॉगिन करने के बाद इस सर्विस को आप सर्विसेज में जाके, वहाँ जाके EMV कार्ड की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपको अपने घर पर EMV कार्ड जो है वो आ जाएंगे। और अगर आप के पास इंटरनेट बैंकिंग यूज़ नहीं करते हो तो बैंक में जाके इसका आवेदन आप दोस्तों बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए दोस्तों, और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ताकि आने वाली 1 जनवरी 2019 को हमारे किसी भी साथियों को ये जो ATM बंद होने की वजह से आपको परेशानी नहीं उठानी पड़े। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।